सियासत भी अब गर्म हो चुकी है। लोग बाल लगातार अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। कोई कहता है योगी आदित्यनाथ की बनेगी, तो कोई कहता है अखिलेश यादव की बनेगी। आखिर बनेगी किसकी, ये मतदाता तय करेंगे कि सरकार किसकी बनानी है। लोग मौजूद हैं, डायरेक्ट चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है? डॉक्टर नबी हसन। नबी हसन भाई, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव? पहले चरण में तो है अलीगढ़ का, क्या लग रहा है किसकी सरकार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसकी वजूहत हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल के शासन के अंदर माननीय योगी जी ने एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया। दूसरी चीज़, सरकार का जो काम था सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ सरकार ने काम किया है। हर समाज का हर तबके का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा मानना है पूरी तरीके से। योगी आदित्यनाथ जी को चुनना चाह रहे हैं, जिन्होंने आज तक 5 साल के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया, ना उत्तर प्रदेश में कोई दंगा होने दिए, और कितनी सारी आजकल लोगों की प्रॉपर्टी, गरीब आदमियों के घर को जो दबंगई जब्त कर लेते थे, आज तक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का कहीं ना कहीं एक इतिहास रहा है कि सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, चेंज होकर आई है, क्या लग रहा है? ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता किसके सर पर ताज पहनाएगी ये जनता बताएगी। बड़ा आप प्यारी प्यारी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हो, और चाय की चुस्कियों में कहीं ना कहीं राजनीतिक जरूर होती है। इस बार का चुनाव, क्योंकि पहले चरण में चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव कौन जीतने वाला है? देखिए साहब, ये तो सभी को दिख रहा है, और आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी हर जगह दिख रहा है कि बीजेपी वाले खुद मंत्री और विधायक छोड़ छोड़ कर सपा में जा रहे हैं, तो आपको लगना चाहिए कि सपा ही आ रही है। कोई कह रहा है टिकट नहीं मिली बेटे को, इस वजह छोड़ दिए? ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ अत्याचार हो रहा था उस सरकार में, इसलिए वो घर वापस आ रहे हैं। घर वापस आ रहे हैं, तो मतलब क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव चेंज होने वाला है? युवा कहाँ डालने को तैयार? इस समय हम लोग सपा को ही वोट देंगे। क्यों? इसलिए देंगे कि इतनी महंगाई है कि कभी नहीं हुई इतनी महंगाई। तो सिलेंडर कभी हमने 500 से ऊपर नहीं देखा था, आज 1000 रुपये का है। पेट्रोल हमने 50 रुपये 60 रुपये से ऊपर नहीं देखी, आज 100 रुपये हो गई। हर कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप कड़वा तेल ले लीजिए, 50 रुपये 30 रुपये लीटर था, आज 200 रुपये लीटर है। हर चीज़ की महंगाई आप देख लीजिए, तो क्या होगा, कहाँ से चले? सपा में आ गए, सपा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ सरकार बनती है। पहले बसपा में सरकार बनी, बसपा में गए, बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी में, अब कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी, तो मैं समाजवादी में, तो क्या लग रहा है? अब के पुण्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और अब के स्वामी प्रसाद मौर्य को मुँह की खानी पड़ेगी, और वो ये बात भूल जाए। अब उन्होंने ये कहते हैं ना, कुत्ता ना धोबी का ना घाट का, तो वो हाल उनका स्वामी प्रसाद मौर्य का होने जा रहा है इस बार। क्या लग रहा है चुनाव नजदीक, वोट तो डालोगे? बिल्कुल डालेंगे। क्या समझ गए किसको, कौन सी सरकार? योगी जी का बिल्कुल वोट डालेंगे हम। किन? योगी जी। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सब जो भी कुछ बढ़ रहा है, योगी जी ने बढ़िया काम कर रहे हैं, जो काम पहले नहीं हुआ वो काम इस सरकार ने कर दिखाया। बढ़िया चल रही है सरकार। मौसम ठंडा जरूर है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां साफ तौर से गर्म हो चुकी हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल अब तैयार हो चुका है। पहले चरण में चुनाव होना है, और अलीगढ़ की जनता वोट डालने के लिए पूरी तरह से उत्सुक है। अब देखना यही होगा कि 2022 के चुनाव में आखिर जनता किसे चुनेगी। हमारे साथ एक लोग और हैं, बात कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? मोहित जी, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, हम विकास पे चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 पार सीटें लेके आ रही है, फिर अखिलेश यादव 400 पार ला रहे हैं। वो लाने को तो सब अपनी अपनी बहुत पहले से लाते आ रहे हैं, 17 में भी लाने की लोगों ने कोशिश करी, फिर 19 में भी। अखिलेश यादव ने ये बोला है कि पहले बीजेपी की 2012 में 47 सीट थी, 325 आई, अब कैसा मेरी 47 है, मैं 400 लाऊंगा। देखिए, अपना सपने देखने का सबका अधिकार है, अच्छी बात है। वो सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, हम तो विकास पे चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है। छोटे छोटे दल जो हैं, ये दलदल हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनके सपनों में उड़ान होती है, सपने वही देखते हैं। उड़ान अच्छी बात है, देखने का सबका अधिकार है। उड़ान उन्होंने 17 में भी सपने देखे थे, 19 में भी सपने देखे थे, अब 22 में भी देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। पुनः हमारी सरकार प्रदेश की जनता बना रही है,
केंद्र मुस्लिम में समाज का रुख इस बार का क्या रहेगा? मुस्लिम समाज अब सब समझ चुका है, इनका भ्रष्टाचार समझ गया, मुस्लिम समाज को लोग यूज करते थे, अब मुस्लिम समाज ने इससे नकारा करके भारतीय जनता पार्टी का साथ। ओवैसी चाचा कहाँ जाएंगे? ओवैसी चाचा पहले वहाँ हैदराबाद में अपनी सरकार बना लें, तब यहाँ आ जाए, तो बहुत बड़ी बात है। ओवैसी चाचा कुछ नहीं करने वाले, ओवैसी चाचा जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं करने वाले। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, जिसके परिणाम केंद्र में और प्रदेश में भारत की जनता ने हमारी सरकार बनाई और दोबारा पुनः हमारी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए देखिए, पहले चरण में अलीगढ़ का चुनाव है, राजनीतिक सरगर्मियां चरम सीमा पर पहुंचनी है, से और मात का खेल चालू हो गया है, हर तरफ सियासी शोर बिछना स्टार्ट हो गया है। आखिर ताज किसके सर बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अलीगढ़ की जनता वोट डालने की है पूरी तरह से उत्सुक नजर आ रही है। सहयोगी हिमांशु भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़।